अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस कैसे शूट करता हूं और मैं अपना होम टूर या रूम टूर कह लें आपको, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। सो ये मेरा रूम है, इसका 360 ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इस तरफ विंडो है जो कि बाहर छत की तरफ जाती है। इसके बाद ये वॉशरूम है और ये मेन वॉल जो है हमारी, ये मेरा बेड है इसके साथ वॉल क्लॉक। ये मेरी कबर्ड है जिसके अंदर मेरी चीज़ें वगैरह पड़ी हैं। उसके बाद ये टेलीविजन एक है जो कि अब इस्तेमाल में नहीं है, बाय टीवी लॉन में एलईडी लगी है, उस वो इस्तेमाल होती है। उसके बाद मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस इस जगह पर, ये मेरी मेन वॉल जो है इस पे इधर शूट करता हूँ। सो मैं आज ही मुझे पता लगा कि ये जो मेरी ये वॉल है, अगर मैं लाइटिंग का इस्तेमाल करूँ तो ये भी वॉल सही है, मगर इधर ये स्विच बोर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। और आप जो मेरी YouTube वीडियोस के अंदर ये जो लाइटिंग देख रहे हैं, इसका एक बहुत ही बड़ा राज है। मैंने ना ही सॉफ्ट बॉक्स ख़रीदा है, क्योंकि सॉफ्ट बॉक्स ख़रीदने के लिए 8 से 10 हज़ार रुपये की एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। क्योंकि मैं अभी बिगिनर था तो मैंने इसलिए सॉफ्ट बॉक्स पे पैसे नहीं लगाए। सो अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें कितनी प्यारी लाइट आ रही है। सो ये इसको अगर मैं इस तरह करता हूँ अपनी लाइट, तो ये देखें इतनी प्यारी लाइट आपको दिख रही है। सो ये जो लाइट है, ये अब मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि अगर ये मैं लाइट बंद करूँ तो ये कुछ इस तरह का व्यू आएगा, जिसमें अब सबसे पहले ये एक वायर है, काफ़ी बड़ी, एक बहुत ही बड़ी वायर है। वायर के साथ ये है मेरी लाइट जो मैंने घर पर बनाई है। ये देखें, ये कुछ इस तरह की लाइट है जिसमें मैंने नीचे से बाज़ार से मैं ये लेकर आया था। एक ये घी का डब्बा तो और सबके घर में आता ही आता है, घी आता नहीं है। उसके बाद फॉइल पेपर लेकर आया था जो मैंने इसके अंदर वाली साइड पर लगाया। उसके बाद ये एक एलईडी बल्ब जो आप इसके अंदर देख सकते हैं, और उसके बाद ये एक होल्डर बाज़ार से मिल जाता है। उसके बाद ये एक वायर। सो ये सब कुछ मैंने करके तो इसको मैंने अपने सॉफ्ट बॉक्स को घर पर तैयार किया है। और जब मैं इसको इस तरह स्विच में लगा के इस तरह चलाता हूँ, सो ये कुछ इस तरह की लाइटिंग प्रोवाइड करता है। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं यूट्यूब की वीडियोस कैसे शूट करता हूं। सो उसके लिए मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट है। सो मेन इक्विपमेंट जिससे मैं अपनी ये अपना मोबाइल फ़ोन उतारने लगा हूं, सो वो ये है। सबसे पहले मेरा मेन है मेरा मोबाइल जिससे मैं अपनी वीडियोज शूट करता हूँ, और उसके बाद आ जाता है मेन ये मेरा ट्राईपॉड, जो कि अभी तक अभी इस टाइम व्लॉगिंग ट्राईपॉड था जिसको मैंने अपने हैंड में इस तरह होल्ड किया हुआ था और इसमें मेरा फ़ोन लगा हुआ था। मुझे अलग से कोई ट्राईपॉड लेना नहीं पड़ा व्लॉगिंग चैनल के लिए। सो इसको मैं मेन इस तरह ओपन करके, सो मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। सो इसको ये मैं मेन ओपन कर लूँ। सो यूट्यूब की वीडियोस मैं अपनी इसी मेन वॉल के आगे ही शूट करता हूँ। सो अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ कैसे शूट करता हूँ। सो ये मेरा मेन जो चीज़ है वो मेरा ये ट्राईपॉड है, जो कि मैंने दराज से बाय किया था यूट्यूब वीडियोस शूट करने के लिए। सबसे पहले मैंने अपने व्लॉगिंग चैनल तो मैंने बाद में स्टार्ट किया, सबसे पहले मेरे पास था मेरा टेक का चैनल अनबॉक्सिंग्स एंड रिव्यूज़ का। सो इस आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको यही बताऊँगा कि डेली में मैं क्या करता हूँ। डेली सुबह मैं कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से आने के बाद मैं अपना अमेज़ॉन का जो वर्क करता हूँ उस पर मैं उसको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, जिसके लिए मैंने एक लैपटॉप भी रिसेंटली बाय किया है। सो वो लैपटॉप भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये कुछ इस तरह से मैं अपना ट्राईपॉड लगा लेता होता हूँ। सो ये आप देख सकते हैं, सो ये कुछ इस तरह से मेरा ये जो ट्राईपॉड है ये लग जाता है। और ये नीचे मेरा साइड ड्रॉर है जिसके ऊपर मैं बैठ जाता हूँ। सो ये तार हिलगी साइड, ये जो कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पर जिसकी मैं अनबॉक्सिंग की रिव्यूज़ की वीडियोस लाता रहता हूँ। सो इधर मैं बैठ जाता होता हूँ और ये इस पे मैं अपनी ये लगा कर तो यहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस शूट करता हूँ। सो ये आपने देख लिया। अब मैं आप लोगों को अपना मैकबुक जो मैंने रिसेंटली बाय की है यूट्यूब के लिए और अमेज़ॉन के अपने वर्क के लिए, सो वो भी मैं आपको आज के इस व्लॉग के अंदर दिखाता हूँ। सो थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो मैकबुक दिखाने से पहले मैं आपको बताऊँ कि मैं थोड़ा सा टेबल टेनिस का भी
प्लेयर हूँ जिसपे मैं काफ़ी इन्वेस्ट भी कर चुका हूँ अपने प्रोफेशनल रैकेट्स बाय करने के लिए। सो ये मेरे पास एक ये लॉइन का 5-स्टार रैकेट है टेबल टेनिस का, और एक ये मेरे पास लॉइन का 3-स्टार रैकेट है जिससे मैं खेलता हूँ और इसमें हम काफ़ी प्लेयर हो गए हैं। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी मैकबुक। तो ये मैंने सबसे पहले उसके लिए एक पाउच बाय की है, हमारी टेबल टेनिस की बॉल नीचे गिर गई है इस टाइम, चले कोई बात नहीं। अब सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, ये मेरा टेक बैग ही आप समझ लें। इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहले ये मेरा एक मैकबुक का चार्जर है, उसके बाद मैं इसके अंदर एक माउस रखा हुआ है जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही रखा है शौकी के लिए बस, कि मेरे पास भी माउस है। उसके बाद ये मेरी मिलती है, ये मुझे मैकबुक प्रो 15 इंचज़ 2015 मॉडल। सो ये मैंने ली थी मैकबुक अपने यूट्यूब के सेटअप के लिए और अपने अमेज़ोन के वर्क के लिए। सो ये मैंने दिखा दिया आपको, और जहाँ पर मेरा स्टूडियो टूर ही कह लें, ये छोटा सा गरीबों का स्टूडियो का सेटअप जिसमें हमारा एक मैंने ट्राईपॉड जो था वो मैंने 600 के करीब मैंने बाय किया था, 600 से 700 के करीब दराज से मिल जाता है, बहुत ही अच्छा। और उसके बाद ये मेरा तकरीबन 200 या 300 रुपया लगा होगा, मेरी ये सॉफ्ट लाइट तैयार होगी। उसके बाद बस घर की दीवार पहले ही तैयार थी, इसके आगे हम आके बैठे, ना मुझे किसी चेयर की ज़रूरत पड़ी ना कुछ। सो मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ इस पर बनाना स्टार्ट कर दी। सो अब उम्मीद है आप लोग भी इस तरह अपना YouTube का सेटअप रेडी करके तो उस पर भी YouTube की वीडियो शूट कर सकते हैं। सो उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग व्लॉग्स। थैंक यू।